गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, सर जो वेरी गुड आपने मॉर्निंग। अभी फॉर्म फॉर्म डाला है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई आज का सेमिनार कैसे हुआ। वो एक औपचारिकता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा, तो मैं तो भर रही थी, फिर मैं रुक गई क्योंकि मैंने कहा अभी तो मैंने सेमिनार अटेंड नहीं किया। हाँ जी, वो बाद में भर लीजिएगा। बस वो लिंक वैसे शेयर कर दिया है, ताकि आप ठीक अपनी सुविधा के हिसाब से भर लीजिएगा। है सर, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। समय हमारा हो गया है और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे मुख्य वक्ता भी आज हमारे साथ हैं, और उसके बाद हम चर्चा रखेंगे। तो आज के इस विशेष दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विचार चर्चा के लिए, विचार का विस्तार करने के लिए, विचार को गहरा करने के लिए, और विचार की व्यापकता को देखने और समझने के लिए भी। मुझे लगता है कि आज के युग की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि विचार और जो मनुष्य की भाषा है और जो परिस्थितियां हैं, तीनों में तालमेल बिठाने में बहुत बड़ी एक कठिनाई हो रही है। कठिनाई ये हो रही है कि हमें निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल वैसी भाषा नहीं मिल पाती। भाषा मिलती है तो तब तक परिस्थितियां बदल जाती हैं, और जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हम जो विचार कर रहे होते हैं वो तब तक कुछ ऐसा लगने लगता है कि ये अब पुराना हो गया, कुछ नया चाहिए। और शायद इसमें एक कारण ये भी रहा है कि हम विचार का संबंध उत्तेजना के साथ ज़्यादा जोड़ने लग गए हैं, कि विचार का मतलब है कि जब तक आपको एक एक्साइटमेंट का अनुभव ना हो तब तक वो विचार विचार नहीं है। और शायद वेस्ट में इसी तरह का एक परंपरा रही है कि हर 5-7-10 साल के बाद, हर दशक के बाद कुछ ना कुछ इस तरह का विचार ढूंढ के लाया जाए जिससे कि मनुष्य की उत्तेजना बनी रहे। और ये अपने आप में बड़ी एक विचित्र मानसिक स्थिति होती है कि जब हम इस तरह से एक पूरी के पूरे समाज की वृत्ति बना लेते हैं कि इसी तरह से हम सभी को व्यवहार करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो भारतीय हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो एक परंपरा रही है उसमें, और जो पश्चिम से आ रही विचार पद्धतियां हैं, और वो निश्चित रूप से प्रभावी भी हैं, इसको भी हमें स्वीकार करना होगा, उन सब में तालमेल बिठाने के लिए हमें निरंतर विचार विश्लेषण भी करना आना चाहिए, हमें निरंतर जो है उसको अग्रसरता भी करनी आनी चाहिए, और हमारे में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि हम सभी विचारों, भाषाओं और परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल बिठा सकें। आज का दिन दो कारणों से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय दृष्टि से आज एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है महर्षि स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, उनकी जयंती मानी जाती है। हालांकि ये सामान्य रूप से मेरी समझ में 12 फरवरी थी, हिंदी कैलेंडर, अपना जो भारतीय कैलेंडर है उसके हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट कैलेंडर में इस बार 8 मार्च उनकी जन्म दिवस और जयंती को माना जा रहा है। तो इन दो लोगों ने, इन दो बातों को ध्यान में रख करके हम चर्चा करते हैं, आरंभ करते हैं आज के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आज का विषय है, मैं शुरू का कुछ समय 5-7 मिनट लूंगा, और उसके बाद मुख्य वक्ता से आपका परिचय करा करके उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आप सब लोगों से बातचीत करें, और उसके बाद जो है जो भी हमारी चर्चाएं रहेंगी, जो भी बातचीत की दिशा होगी उसको हम देखेंगे। वुमेन सेल और संस्कृत डिपार्टमेंट, पंजाबी और बाकी सभी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और इन सभी डिपार्टमेंट्स के आपसी विचार विमर्श से ये बात उभर करके आई कि जो हमारी भाषा है और जो पश्चिम की भाषा है उसमें एक मूलभूत अंतर है।
और मुझे स्वयं को ये लगता है कि जब मैं वुमेन शब्द इस्तेमाल करता हूँ और जब मैं स्त्री या नारी शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो दोनों का आपस में संबंध मैं नहीं बिठा पाता, क्योंकि वुमेन शब्द की जब आप हिस्ट्री देखते हैं, उसके इतिहास में उस शब्द की व्यापकता को देखने लगते हैं, तो आपको पता लगता है कि क्रिश्चियन टर्म्स में वुमेन का मतलब है जो आदमी के प्लेयर के लिए जिसको पैदा किया गया है, और वो भी आदमी की जांघ की दाई जांघ की हड्डी से जिसको पैदा किया गया है वो जो है वो वुमेन है। तो इस दृष्टि से जब आप देखते हैं वुमेन शब्द का इतिहास, तो मैं हमेशा सोच में पड़ जाता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या वस्तुतः हमें उसकी पृष्ठभूमि पता है जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि आखिरकार शब्द ने ही तो आपकी मानसिकता को, आपके व्यवहार को, आपकी वृत्तियों को परिभाषित करना है। तो गॉड ने वुमेन को आदमी के प्लेयर के लिए बनाया। अब इस दृष्टि से जब मैं देखने लगता हूं अपने भारतीय शब्दों को, और कम से कम जिसमें से 335 शब्द मुझे मिलते हैं, तो मैं एक भी शब्द वुमेन के पर्यायवाची के रूप में नहीं देख पाता। इस स्लाइड के ऊपर भी जो आप दो शब्द देख रहे हैं, स्त्री और नारी, ये दोनों ही वुमेन के पर्यायवाची नहीं बनते, क्योंकि स्त्री जो है वो है क्रिएटिव प्रिंसिपल, वो वुमेन के अर्थ को नहीं देता, वो क्रिएटिव प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। और नारी शब्द को भी जब आप देखते हैं तो नारी शब्द नर का ऑपोजिट नहीं है, वो नी से बनने वाला नारी है। ये बिल्कुल वैसी सी स्थिति इसको आप समझ सकते हैं जैसे एक चने का जो दाना होता है वो ऊपर से एक होता है और अंदर से दो भागों में बंटा हुआ होता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये दो विपरीत हैं। तो इसलिए नरी शब्द से, धातु से बना हुआ नर और नारी, ये आपस में कभी अलग होते ही नहीं है किसी भी तरह से, ये विपरीतता के अर्थ का बोध नहीं कराते, क्योंकि जिस तरह से मैन और वुमेन जो है वो विपरीतता के अर्थ को बोध कराते हैं, या कम से कम पीछे से आने वाली, जो बाद में आने वाली है, जिसका एग्जिस्टेंस ही बाद में आया है, वो वुमेन शब्द से पता लगता है। लेकिन सोशल साइंसेस में क्योंकि भाषा को ज्यादा वो महत्व नहीं देते और ना वो कभी इस विषय में ज्यादा खोजबीन करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपना काम चला लेते हैं कि ठीक है कि भी वुमेन का मतलब स्त्री और स्त्री का मतलब वुमेन, महिला भी वही चीज है, और उसी तरह से वो सारा काम अपना कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी भारतीयों में ये एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एक द्वंद्व पैदा हो रहा है कि हमारी जो परंपरागत शब्द हैं, व्यापक शब्द हैं, उनके अर्थ और जो हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली लाए जा रहे जो शब्द हैं उनको हमें तालमेल बिठाने में तकलीफ हो रही है, एक कष्ट की प्रक्रिया से हम सभी निकल रहे हैं। लेकिन हो सकता है, संभव है कि कल को आने वाले समय में कहीं कुछ बेहतर हो जाए, कहीं कुछ अच्छा घट जाए। तो इसी सारे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पिछले कुछ दिनों में निर्णय दिए गए हैं, वुमेन्स राइट टू डिग्निटी, जिसके लिए आप शब्द देखें, सामान्य रूप से हम सम्मान शब्द प्रयोग कर देते हैं, लेकिन मैंने विशेष रूप से आत्मसंसार शब्द चुना है जिसमें सेल्फ एस्टीम भी आता है, क्योंकि डिग्निटी, ऑनर, सेल्फ एस्टीम, ये बहुत पास पास के शब्द हैं। तो मुझे उस दृष्टि से लगा कि आत्मसंसार ये शब्द ज्यादा प्रभावी भी है, आवाज कम आ रही है। ज्यादा उचित भी है। अगर मेरी आवाज कम आ रही है तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं, तो इसमें 1 सेकंड आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, तो शायद पुराने कंप्यूटर की वजह से हो। मदान साहब जी, तो नहीं गूंज रही है अब आवाज, सॉरी। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपको कम आवाज के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, अन्यथा वो कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि वो दो दो स्पीकर ऑन हो जाते हैं। तो मैं जो आप लोगों से चर्चा कर रहा था वो इसी संदर्भ में कर रहा था कि आत्मशंसा होना ये कैसे संभव होगा, और इस पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उनका विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जो
इन सभी विषयों के ऊपर जिन्होंने बहुत काम भी किया है और बड़े गहरे से उनकी एक अपनी दृष्टि है, तो उस पर वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संस्कृत की जो परंपरा रही है उसको भी हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत की परंपरा का मेरा मतलब ये है कि जो भारतीय परंपरा है, जो शब्द मूल रूप से वहां से उभर कर आ रहे हैं, उनके ऊपर हम एक बार नजर डालें। लेकिन आगे चलने से पहले, जैसा कि मैंने आज लोगों से बात की थी कि आज क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से ये डिक्लेयर्ड है, जबकि मेरी नजर में, मेरे ध्यान में 12 फरवरी होती थी उनका जन्म दिवस, लेकिन हम तो भी आप सब की ओर से, अपनी ओर से स्वामी, आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति अपना प्रणाम अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो उस सब से आप लोग परिचित भी हैं। जितना उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया है, जितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक दिशा निर्देश भी हैं, हमें एक गर्व की अनुभूति वो करवाते हैं कि किस तरह से वैदिक जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से भारत को परिभाषित करता है और किस तरह से एक स्वस्थता समाज में आ सकती है, इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने आर्य समाज का निर्माण भी किया। तो आप सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो एक बातें और उनके में बारे में करना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद जी के दो ही पक्ष हैं, यज्ञ और वेद, जिसके बीच में वो शास्त्र, युक्ति एवं अनुभव के द्वारा इस सारे निर्माण को करते हैं जिसे हम आज आर्य समाज के नाम से जानते हैं। आर्य समाज जो है वो कोई ऐसा समाज नहीं है कि जो बंद घुटा हुआ समाज है, कुछ लोगों का समाज है, वो पूरा का पूरा समाज 7.5 बिलियन लोगों का समाज है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे पश्चिम का व्यक्ति हो, इधर का हो, क्योंकि वो कुछ इस अर्थ में धर्म नहीं है कि जिसे आप ये कह दें कि रिलीजन के सेंस में कह दें। तो इस दृष्टि से जब आप देखते हैं तो स्वामी दयानंद ने शास्त्र, युक्ति, रीजनिंग और अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से जो मुख्य कंट्रीब्यूशंस की हैं, जिसमें स्वराज बहुत बड़ी एक बात थी। हम पॉलिटिकल साइंस में, मुझे नहीं पता कि स्वामी दयानंद के नाम पर स्वराज शब्द को लाते हैं या नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो बाद में तिलक के नाम पर उसको क्रेडिट चला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, लोकतंत्र का समर्थन, राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन, खुद गुजराती थे लेकिन हिंदी का उन्होंने बहुत समर्थन किया, समानता और स्वतंत्रता का संदेश और विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है। तो इस दृष्टि से कितने लोग स्वामी जी की कॉन्ट्रीब्यूशन को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसको जानना चाहिए। तो मैं आप सब की ओर से उन्हें पुनः प्रणाम करता हूं और एक गर्व की अनुभूति के साथ उनके सामने विनत होता हूं कि इस तरह के अगर हमें मार्गदर्शक मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। पुनः हम आते हैं अपने विषय की ओर, ताकि हम जो है चर्चा की ओर अग्रसर हों। भारतीय परंपरा में आप देखें तो स्त्री के दो पक्ष होते हैं, एक उसका होना जिसे अस्ति कहते हैं, बीइंग जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा होता है भवती, बिकमिंग। अब जितनी भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, सोशल साइंसेस, इसमें जितने भी आप वर्णन पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो वर्णन हैं वो क्या है, वो कभी भी केंद्र को लेकर के नहीं है कि वट द वुमेन इज, स्त्री है क्या, इस विषय के ऊपर कभी केंद्रित नहीं रहे। वो इस विषय पे केंद्रित रहे कि स्त्री कर क्या सकती है, इकोनॉमिकली क्या कर सकती है, पॉलिटिकली क्या कर सकती है, सोशली और रिलीजियसली वो क्या कर सकती है, ये उस रूप में है। यानी कि उसका जो केंद्र है, जो उसका सेंटर है, जो उसका एसेंस है, उस पे कभी भी बात नहीं हुई, जिसे हम फेमिनाइन एलिमेंट कह सकते हैं, स्त्रीत्व कह सकते फीमेल के ऊपर हमारा सारा का सारा जोर रहा है कि फीमेल कैन डू दिस दैट दैट, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट द फेमिनाइन एलिमेंट कि व्हाट इज दैट। उसी तरह से हमने मैस्कुलाइन एलिमेंट की भी कभी बात नहीं की, हमने मेल की बात की। तो इसलिए
ये बात को हम ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय परंपरा स्त्री के दो पक्षों को स्वीकार करता है, एक उसके अस्तित्व को मान्यता देता है, उसको स्वीकृति प्रदान करता है, और दूसरा वो क्या कर सकती है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, जो कि आप इतिहास में देख सकते हैं, मैं उसमें समय नहीं ले रहा, तो उसको आप भवती के रूप में देख सकते हैं। तो दो शब्द ध्यान में रखेंगे तो उस दो बिंदुओं के बीच में हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मूल्यांकन करेंगे, एक है बीइंग और दूसरा है बिकमिंग। अगली एक और बात को भी थोड़ा सा हम देख लें कि स्त्री के भारतीय संदर्भों में जो है परंपरागत संदर्भ, उसमें दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्त्री को हमेशा मनुष्य ने इन दो अर्थों में देखा है, एक है आकर्षण की, उसमें आकर्षण शक्ति है कि हर मनुष्य हर पुरुष जो है उस ओर आकर्षित होता है, लेकिन साथ ही साथ वो विकर्षण भी करती है कि इसीलिए अगर आप बहुत सारे गाने देखें, बहुत सारी कविताएं देखें, बहुत सारा साहित्य देखें, तो वो विकर्षण का परिणाम है कि जहां वो एक तरह से अवसाद में जाकर के लिखा गया साहित्य है, तो आकर्षण से लिखा गया साहित्य भी आप देख पाते हैं और विकर्षण भी। दूसरा स्त्री का जो पक्ष है दूसरे स्तर पर, वो है उसका सौभाग्य। सौभाग्य को अगर आप केवल ये समझ लें कि भी सिर्फ पति हो गया तो वो नहीं है, सौभाग्य में सुभगता है, सुंदर शब्द है, सौंदर्य। और दूसरा जो पक्ष है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है संतति, प्रोजनी जो उसकी है। ये दो चीजें उसको परिभाषित करती हैं, पहला आकर्षण और विकर्षण, दूसरा उसकी संतति और सौभाग्य, ये उसको परिभाषित करती हैं। ये एक तरह से मान लीजिए कि ये दो उसके तट हैं। उससे आगे अगर आप चलते हैं, आगे चल करके आप देखते हैं दो हमें और उसके पक्ष मिलते हैं। एक पक्ष है उसका क्रिया स्वातंत्र का, कि किस तरह से उसको क्रिया करने की स्वतंत्रता समाज में है, कौन कौन से वो कार्य कर सकती है जिसके लिए उसको ऊपर के कोई बंधन नहीं है। दूसरा उसका सत्ता स्वातंत्र है, जिसमें वो अपनी सत्ता का सुख स्वयं अनुभव कर सकती है, वो अपनी एक बीइंग की जो फीलिंग है उसे वो किस तरह से एक्सप्रेस करती है, कैसे उसको अनुभव करती है, कैसे उसको जीवन जीती है, ये उस पर निर्भर करता है। तो कम से कम मैं ये इस पक्ष से कह सकता हूँ, साथ ही साथ ये स्वीकार करते हुए कि इतिहास में स्त्री पे बहुत सारे अनाचार हुए, बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सी स्त्रियों के साथ धोखा हुआ, अनाचार हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी पुरुष स्त्री से प्रेम करता है और स्त्री इतना धोखा मिलने के बाद, इतने अत्याचार होने के बाद अभी भी पुरुष से प्रेम करती है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक स्वस्थ समाज के अग्रसर होने की बहुत बड़ा एक आधार बन सकता है। लेकिन उस प्रेम को सुप्रीम कोर्ट कैसे परिभाषित करता है, ये हमें समझना होगा कि क्या हम प्रेम के बिना एक स्त्री समाज की, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं एक बात और कह के, जिसका मैंने अभी पीछे रेफर किया था कि देखिए हमारा टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं बीच में ही फोकस करिएगा आप लोग भी, कि टोटल एजुकेशन सिस्टम और जो टोटल कंस्ट्रक्ट ऑफ अवर सोसाइटी इज बेस्ड ओनली ऑन द फीमेल जेंडर, जेंडर बेस्ड है सारा का सारा, कि एक तरफ मेल है दूसरी तरफ फीमेल है, मैन है और वुमेन है। इसी जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर सारे आपके कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, और उससे जो है वो क्लैशेस मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े हैं, एक दूसरे के प्रति अनास्था का भाव ज्यादा बड़ा है। और जबकि होना क्या चाहिए था कि हमें एजुकेशन में और अपना जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है वो मैस्कुलाइन एलिमेंट और फेमिनाइन एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि फेमिनाइन एलिमेंट और मैस्कुलाइन एलिमेंट जो हैं, जैसे स्त्रीत्व और पुरुषत्व कहते हैं, वो प्रत्येक पुरुष में स्त्रीत्व रहती है और हर स्त्री में पुरुषत्व का अंश विद्यमान रहता है। हमने उसको कभी उभारने की कोशिश नहीं की है, हम अटरली फेल रहे हैं सोशल साइंसेस की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कि हमने कभी भी उन गुणों को एक दूसरे में उसको उभारा नहीं, किसी पुरुष में स्त्रीत्व के गुणों को नहीं उभारा और किसी स्त्री में पुरुषत्व के उन गुणों को उभारने का प्रयास नहीं किया जिससे कि समाज में एक समन्वय बनता।
लेकिन अस्तु, जैसा भी हम बुद्धि से अपने समाज को बनाना चाह रहे हैं और भविष्य की हम कामना करते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जो हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर के एस टी कॉलेज कैथल में, बहुत लंबा दीर्घकालीन अनुभव उनका पढ़ाने का रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो सामान्य रूप से टीचर नहीं कर पाते। उन्होंने स्त्रियों के लिए, बल्कि एक वीडियो भी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक छोटी फिल्म आधे घंटे की वो भी बनाई थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा रिसर्च भी किया, और उनकी एक बड़ी विशेष बात यह है कि उन्होंने साथ ही साथ भारतीय परंपरा को भी समझा। पॉलिटिकल साइंस जैसे सोशल साइंस के विषय को पढ़ाते पढ़ाते साथ ही साथ उन्होंने भारतीय परंपरा को भी ढूंढने की, समझने की कोशिश की है, और दोनों में तालमेल बिठाया है। तो आज हमारे मध्य वो विद्यमान है, और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज की चर्चा हम सभी के साथ शुरू करें और हमें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का विचार करने का तरीका, उसके जो दृष्टि है, उसका जो समझने का तरीका है, वो क्या है, और जो भारतीय परंपरा है, विशुद्ध भारतीय परंपरा, वो नहीं जो विकृति के नाम पर हम पढ़ाते समझाते हैं। विकृतियों के नाम पर हम किंग को राजा करके पढ़ा देते हैं और वुमेन का अर्थ स्त्री करके पढ़ा देते हैं, वो नहीं। जो सही में है, जो अंतरधारा है, जो ऊपर के इतिहास के कई कारणों से जो दब गया, विकृत हो गया, उसको छोड़ते हुए जो भी हमारी परंपरा है, उस दृष्टि से मैं चाहूंगा उसको भी हमारे सामने लाएं, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से तार्किक और बौद्धिक फैसले देता है, उसको भी वो स्पष्ट करें। तो मैं आप सब की ओर से डॉक्टर परमजीत कौर जी, जो कन्वीनर हैं वुमेन सेल की, जिनकी वजह से ये हो पा रहा है, और साथ ही मैडम हरदीप कौर, जो गुरु नानक खालसा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी से हमारे साथ जुड़ी हैं, को कन्वीनर हैं इस वेबिनार की, और मिस लवलीन ग्रोवर, जो कन्वीनर हैं और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गुरु नानक खालसा कॉलेज, वो सभी हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी की ओर से आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आर के गुप्ता जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ आरंभ करें। डॉक्टर गुप्ता जी। नमस्कार सभी सहभागियों को, और सबको बहुत बहुत मुबारक भी देना चाहूंगा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और ज्यादा अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए सीधा सीधा अपनी बात पर आ रहा हूं। आज के अखबार में एक मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी जिसमें लिखा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये अभी पढ़ा ही था कि टीवी पर एक न्यूज आ रही थी, ब्रेकिंग न्यूज, थाने में महापाप, ये कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल विरोधाभास। और जैसे कि आशुतोष जी ने बताया कि आज स्वामी दयानंद जी का भी बर्थडे है, एक और बहुत बड़े शायर हुए हैं साहिर लुधियानवी, उनका भी आज 100वां बर्थडे है, और उन्होंने जो महिलाओं की स्थिति पर लिखा वो मैं लाइन जरूर बताना चाहूंगा जो आज के संदर्भ में बहुत लागू होती है। बहुत उनका मशहूर गीत है एक, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो ये जो द्वंद है, जो बिल्कुल विरोधाभासी स्थितियां हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि आशुतोष जी ने जब वो स्त्री की परिभाषा कर रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने परिभाषा दी, तो मेरे को एकदम याद आया कि ये बात तो भगवत गीता में भी कही गई है। उसके यदि आप 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को देखें, तो संस्कृत में ना बोलकर मैं साधारण हिंदी में बता रहा हूं आपको, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं। वास्तव में यदि आप देखें, ये श्लोक अपने आप में इस बात को बता देता है कि
हमारा ही जो धारणा है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे दर्शन है, भारतीय दर्शन, जिसका प्रतिनिधित्व श्रीमद् भगवद गीता करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में देखा जाए तो पुरुष से भी अधिक श्रेष्ठ स्त्री को बताया है, क्योंकि जब वो अपने में बता रहे हैं स्त्री जन्य गुण, इन गुणों के बिना कोई मानव मानव ही नहीं बन सकता। तो इसलिए भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में जो स्त्री का स्थान है वो वास्तव में पूजनीय है। लेकिन जैसा कि आशुतोष जी ने बताया था कि जब वो वेस्ट में चला गया और उसमें वो विमेन शब्द आ गया और पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि हमने स्त्री और नारी शब्द को छोड़कर विमेन को अपना लिया, जिसमें विमेन का एक अर्थ ये भी ले लिया गया, वेल्थ ऑफ मैन। अब वो चूंकि वेल्थ ऑफ मैन है तो इसलिए मैन उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये जो भोग्या की स्थिति, पूज्या से भोग्या जो हम बने हैं, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय दर्शन से जो हमने पाश्चात्य दर्शन की ओर विकास किया उसका ही ये एक परिणाम है। अब मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण जो डिग्निटी की बात है तो इसमें आना चाहूंगा। देखिए, आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स की बात की गई, यूएनओ में सभी को बराबर के अधिकार दिए गए 1945 में, लेकिन स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है इस बात को स्वीकार करने में यूएनओ को भी 37 साल लग गए, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए, बहुत मशहूर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, जिसे 1979 में स्वीकार किया यूएनओ ने और 3 सितंबर 1981 को वो लागू हुआ था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी यदि आप देखें, ह्यूमन डिग्निटी, वीमेन डिग्निटी की बात करते हो, वो क्या कह रहे हैं सीडा में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोटिंग दैट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वीमेन। इसके बाद इसी में उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिकॉलिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ राइट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। सीधा सीधा महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी से जोड़ा है। और इसके बाद एक और बात जो कही गई यूएनओ के द्वारा, अवेयर दैट ए चेंज इन द ट्रेडिशनल रोल ऑफ मैन एज वेल एज द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एंड इन द फैमिली इज नीडेड टू अचीव फुल इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। तो ह्यूमन डिग्निटी और पर्टिकुलर वीमेन डिग्निटी को सीडा में भी राइट टू इक्वलिटी से जोड़ा गया है, लेकिन कितनी इक्वलिटी आई है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये फिर अलग विषय हो जाएगा। हाँ, आज जरूर है कि आज जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो वहां पर भी डिमांड्स उठी कि 50 आधी आबादी है तो आधा आरक्षण होना चाहिए, और सोनल मान सिंह ने तो ये भी कहा कि हम आधे से अधिक हैं लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो एक परसेप्शन बना आ रहा है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ देखिए शास्त्रों में क्या है इसको तो हम पढ़ते नहीं या जानने का प्रयास नहीं करते, हालांकि आशुतोष जी जैसे मेरे मित्र हैं जो बहुत प्रयास भी कर रहे हैं कि इस तरह की बातें आए, लेकिन अभी भी जो हमारा माइंड सेट है, पर्टिकुलर भारतीय संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि उसमें बेटियों को जब हम ये कहते हैं बेटियां तो पराया धन है, ये जो कल्चर उत्पन्न हुआ इसने सारी गड़बड़ की है। और इसीलिए 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि
9 सितंबर 2005 को लागू हुआ है, उसमें उन्होंने कहा डॉटर्स हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फ्रॉम 1956। और उसमें वो क्या कहते हैं इस जजमेंट में, इन्वर्टेड कॉमा में है, दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फादर वाज अलाइव और नॉट, डॉटर्स बोर्न बिफोर 9 सितंबर 2005 कुड क्लेम इक्वल राइट्स इन हेरिटेंस। और उसके आगे वो कहती है सुप्रीम कोर्ट, द क्लासिक हिंदू लॉ एक्सक्लूडेड द डॉटर फ्रॉम बीइंग को पार्टनर्स, इन जस्टिस हैव नाउ बीन डन अवे विद बाय अमेंडिंग द प्रोविजंस इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गोल ऑफ जेंडर जस्टिस एज कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज इज अचीव दाउ बिलेटेडली। तो बड़ा स्पष्ट है कि एक अधिकार जिससे कि हमने अपनी बेटियों को वंचित किया हुआ था, महिलाओं को, स्त्रियों को, नारी को वंचित कर दिया था, उस अधिकार को देने का प्रयास किया है। दूसरा, एक और जो प्रिसेप्शन जो कि नारी की गरिमा को कम करता है वो रहा है हमारे यहाँ पर कि जो वाइफ है वो कौन है, हाउस वाइफ, वो ब्रेड अर्निंग नहीं है, इसलिए उसकी डिग्निटी कम है। अब यहां पर यदि आप देखें तो 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ होम मेकर इज द सेम एज हबीज एज ऑफिस, यानी कि हस्बैंड का जो ऑफिस में जितनी वैल्यू है काम करने की मिलती है, उतनी वैल्यू एक जो होता है हाउसवाइफ जिसे हम कह देते हैं मोस्टली कि वो कुछ नहीं करती है, वो तो सिर्फ घर का काम करती है, अनपेड है। और इसको रेफर करते उन्होंने लता वाधवा के 2001 का रेफरेंस दिया है, इनके 2001 के बाद 2021 में आ रहे हैं हम। और आप देखिए कि महिलाओं के साथ उनकी इंपॉर्टेंस को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कोट किया, 2011 की सेंसस को देखते हुए उन्होंने बताया कि 159.85 मिलियन वीमेन जो है हाउस वाइफ के रूप में है, इनके जो घर के काम करती हैं, अगेंस्ट ओनली 5.79 मिलियन मैन, महिलाएं कितना ज्यादा काम कर रही हैं। एक महिला नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार भारत में रोजाना 299 मिनट्स काम करती है और घर के काम पुरुष केवल 97 मिनट करते हैं, यानी कि जिसका कोई पे नहीं किया जाता, अनपेड वर्कर है वो। जो महिला है वो लगभग 20% रोजाना काम करती है दिन में हाउस होल्ड का, और पुरुष जो है केवल 2.5 करते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ लाइफ टू ऑल इंडिविजुअल्स, इनके डिग्निटी वो तभी आएगी कि जैसे आज के मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कि जब हम इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो घर में काम करने वाली महिला है उसका कार्य भी आर्थिक दृष्टि से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक पुरुष का जो कि अपने ऑफिस में काम करता है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, अनेक चाहे वो एजुकेशन को ले लें आप, चाहे जिसे हम कहते हैं ना वर्किंग वीमेन, उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एक कामकाजी महिला है इसको लेकर पुरुषों में ईर्ष्या भाव भी आता है, और एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी होने के कारण आप देखिए कि ये जो सीडा बाया था 1979 में और 81 में लागू हुआ, इसको भारत में लागू करने में कितना समय लगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में 1997 में पहली बार जो सीडा के कन्वेंशन के रूल्स थे उनको अप्लाई करने की बात कही, लेकिन ये जो केस है जजमेंट इसकी
छोटी सी बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं आपको कि ये केस हुआ था एक्चुअली भंवरी देवी रेप केस से 1992 में हुआ था। उसको लेकर ये जजमेंट आया, लेकिन भंवरी देवी को आज भी न्याय नहीं मिला है, आज भी उसका केस पेंडिंग है। और जो लोअर कोर्ट थी उसने भंवरी देवी वाले मामले में एक बहुत ही कास्टिस्टिक रिमार्क दिया था। और वो क्या कहा, उन्होंने जो अपराधी थे तथाकथित उनको बरी कर दिया था, ये कहकर कि एक उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इनसेंसिटिव जजमेंट लोअर कोर्ट का था। और इसके आगे भी यदि आप देखें 1997 में तो ये जजमेंट आता है, लेकिन इसके ऊपर कानून बनने में कितने साल लग गए, इसके बाद भी 16 साल लग गए हमको कानून बनाने में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, जो कि 2013 में बना है। तो मेरा ये कहना है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें भी सिस्टेमेटिक अब्यूज हुआ है, ये सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का रिस्पॉन्स नहीं है। यदि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है तो पहले न्यायपालिका कर रही है, जिसकी हम आलोचना जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर करने लगते हैं, कभी हम जुडिशियल ओवररीच के नाम पर करने लगते हैं, और उसके बाद फिर कानून बनने में कितने वर्ष लगते हैं ये आप समझ सकते हैं। और अभी पिछले दिनों वो जिस कोई की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही फार रीचिंग, उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बहुत लोअर कोर्ट का है, एडिशनल मजिस्ट्रेट दिल्ली का, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र पांडे जी का जजमेंट आया है। वो जजमेंट जो है बहुत मशहूर हुआ है, 17 फरवरी को दिया गया है, एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी। एमजे अकबर कौन है, रिनाउंड एडिटर, रिनाउंड जर्नलिस्ट, प्रिया रमानी भी जर्नलिस्ट हैं, और जब ये केस किया उन्होंने तब तो वो केंद्र में मंत्री भी थे। ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है मैं उसको थोड़ा कोट करना चाहूंगा, वीमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दी सेक्स अब्यूज ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन एज द राइट ऑफ रेपुटेशन। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, द वीमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दी सेक्स अब्यूज ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट बाई डिफेमेशन, यानी कि महिला को हम जो है पनिश नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते इस बात को लेकर कि जो दूसरा व्यक्ति है उसने डिफेमेशन केस उसके ऊपर लागू लगाया है, यानी कि वीमेन को सेव किया है। और उसके बाद जो लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन एज गारंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 एंड राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज गारंटेड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट, इसका आगे का सब मैं बाद में लूंगा। क्या कहा है? कि राइट टू रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, यानी कि किसी भी व्यक्ति रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन होते कि एक व्यक्ति के बारे में दूसरों की क्या धारणा है। जैसे हम कहें कि ही इज ए वेरी गुड पर्सन, है या नहीं नहीं पता, उसकी धारणा है मेरी उसके बारे में, या कहें कि ही इज ए रिनाउंड जर्नलिस्ट, ही इज ए रिनाउंड पर्सनैलिटी। और वो चूंकि उसकी पर्सनैलिटी है तो इसका अर्थ क्या, ये हम मान लिया जाए कि वो व्यक्ति कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है।
जो जस्टिस हैं उन्होंने इस बात को बड़ा सीधा सीधा कहा है, मैं आई एम कोटिंग द जजमेंट नाउ, द कोर्ट इन्वर्टेड कॉमा में जजमेंट में के कहा, द कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी पीयर रमानी की कंटेंशन को मानते हुए, दैट कॉम्प्लेनेंट इनके एमजी अकबर इज नॉट ए मैन ऑफ स्टेलर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ प्रिया रमानी एंड गजाला वहाब। उसके बाद वो कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज कमिटेड इन द क्लोज डोर्स ऑफ और प्राइवेटली, समटाइम्स द विक्टिम हरसेल्फ डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू देम और व्हाट इज हैपनिंग टू देम इज रॉन्ग डिस्पाइट हाउ वेल रिस्पेक्टेड सम पर्सन आर इन द सोसाइटी, दे इन देयर पर्सनल लाइफ कुड शो एक्सट्रीमली क्रुएल्टी टू द फीमेल्स, द कोर्ट टेक्स कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टमेटिक अब्यूज एट द वर्क प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ द मैकेनिज्म टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बिकॉज इट हैड हैपेंड इन 1993। फिर वो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं सेक्सुअल हरेसमेंट को क्यों कितने बार वो नहीं लॉज करती कंप्लेंट, देयर ऑप्शन टू नॉट लॉज द कंप्लेंट ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा अटैच विद द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ द वीमेन, द टाइम हैज कम फॉर आवर सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल हरेसमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन विक्टिम, द सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड दैट एन अब्यूजिव पर्सन इज जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ अदर पर्सन एंड ही टू हैज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ही कैन ऑल्सो बी वेल रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज नॉट इवन स्पीक अबाउट अब्यूज फॉर मेनी इयर्स बिकॉज समटाइम्स शी हरसेल्फ हैज नो आइडिया दैट शी इज विक्टिम ऑफ अब्यूज, द शेम और सोशल स्टिग्मा अटैच विद द सेक्सुअल अब्यूज, द सेक्सुअल अब्यूज इफ कमिटेड अगेंस्ट वीमेन टेक्स अवे हर डिग्निटी एंड हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्योंकि एक स्त्री के साथ यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी डिग्निटी के साथ साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है। और एक अच्छी बात देखिए इसमें, जैसे आशुतोष जी ने कहा इस जजमेंट में अपनी इस रीजनिंग को देने का आधार जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सॉरी जस्टिस रविंद्र पांडे जी ने बनाया, वो है रामायण और महाभारत। उन्होंने रामायण के जटायु का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार से एक महिला की आत्मसंशय को बचाने के लिए, उसकी डिग्निटी को बचाने के लिए जटायु अपना बलिदान कर देता है, और इसी प्रकार से उन्होंने महाभारत का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि सभा पर्व का जिक्र किया है कि जो द्रौपदी ने प्रश्न उठाए थे उस सभा में वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने उस समय थे। और यदि आप इसको देखें, इसके मैं भारतीय इसका आफ्टरमाथ देखिए, 17 फरवरी के बाद 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कहती है एक और जजमेंट में, वी कैन नॉट अलाउ सेक्सुअल हरेसमेंट कंप्लेंट्स टू बी ब्रश अंडर कारपेट, हम किसी भी सेक्सुअल हरेसमेंट के केस को अंडर कारपेट नहीं दबा सकते। लेकिन 2 मार्च को एक मैं पढ़ता हूं हेडलाइन, इन कार और फोन आईपीएस ऑफिसर लिस्ट हरेसमेंट बाई तमिलनाडु डीजीपी, इनके पुलिस वाला ही अपने सबोर्डिनेट को जो खुद भी आईपीएस ऑफिसर है लेडी, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का केस दायर किया गया है। 3 मार्च को 2021 को ही, हालांकि आज उसके ऊपर वो वापस लेने की कर रहे हैं बात एफआईआर, कर्नाटका मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा है।
तो ऐसा क्यों होता है? अब मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं, क्या हम ये मान लें कि जो व्यक्ति, इससे पहले कि इस पर आऊं, मैं एक, हाँ एक और बात कहना चाहूंगा, इसी एज में जो कहा गया इंपॉर्टेंट, द वीमेन हैज ए राइट टू पुट हिज ग्रीवियंस एट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ हर चॉइस एंड इवन आफ्टर डिकेड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट कर सकते इवन आफ्टर डिकेड्स। और कल के ही अखबार में है इस जजमेंट का प्रभाव कि एक महिला ने 27 वर्ष के बाद कंप्लेंट दायर की है, क्योंकि जब उसके साथ दुर्घटना हुई थी तब वो केवल 14 वर्ष की थी बच्ची। तो उस केस की डिटेल में ना जाकर केवल इतना बता रहा हूं कि इस जजमेंट का कितना फार रीचिंग पड़ा है। अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि एक रेपुटेशन वाला व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं, क्या उसको छूट हो जाए? पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूंगा मैं कि मेरे को भारतीय शास्त्रों का ना तो कोई ज्यादा ज्ञान है, ना मैंने कोई अध्ययन किया है, मैंने कोई वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। थोड़ा बहुत जो भी कुछ भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास किया है वो मैंने केवल और केवल श्रीमद् भगवद गीता से ही किया है। और इसमें यदि आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपसे, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, जिसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं मैं इस समय आपको, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। असल में हुआ क्या है हमारे यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति कोई पोजीशन हासिल कर लेता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो सर्व ज्ञाता है, वो ज्ञानी है, जबकि ज्ञानी जन भी उसको ज्ञानी नहीं मानते हैं। इस श्लोक में यदि आप देखें तो बड़ा स्पष्ट है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो सकता है, एडिटर हो सकता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकता है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस हो सकती है, अपने पद में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी वासनाएं खत्म हो गई हो, वो बिना संकल्प के ना हो। और जैसे भगवद गीता ने तो कहा है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा है अहंकार, अहम, आई, बिग आई, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग, नोबडी कैन स्टॉप मी बिकॉज आई एम सो पोजिशन पर्सन, आई एम सो नॉलेजेबल पर्सन। तो ये जो आईनेस है, और जिसके कारण उसमें, जैसे कोर्ट ने भी माना कि प्राइवेटली वो दुष्कर्म की वासनाओं से हो सकता है, और इसी बात को भगवत गीता में आगे भी कहा, स्पष्ट किया है, अध्याय 6 का यदि आप 5वां श्लोक देखें, जिसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति अपना मित्र कैसे हो सकता है और वही व्यक्ति अपना शत्रु कैसे हो सकता है, उसके आधार क्या है? इस आधार को उससे अगले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। अब सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष, व्यक्ति नहीं मैं कहूंगा, जो पुरुष अपने इंद्रियों को नहीं जीतता है, इंद्रियों के साथ शरीर को नहीं जीतता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि काम और संकल्प आएंगे ही, जिसलिए उसमें यदि आप दूसरे अध्याय में जाएं तो वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगी, इसलिए नहीं मैं ले रहा हूं उस इशू को, जिसमें बताया गया कि 42वें लेके आप 44वां श्लोक देखें, फिर 62, 63, 66वां श्लोक देखें कि कैसे व्यक्ति जो है काम और क्रोध के द्वारा
अपने आप को अधोगति में डाल लेता है और उसकी जो गुण है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो भारतीय दर्शन में यदि आप देखें तो ये आप पाएंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, जब तक आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, फिर आपकी नॉलेज वो बुकिश नॉलेज हो सकती है, आपकी एनालिटिकल नॉलेज हो सकती है, आप विश्लेषणात्मक हो सकते हैं, आप कोई अच्छी पोजीशन पा सकते हैं, लेकिन यदि आपने इंद्रियों को नहीं जीता है तो आप अपने आप को कभी भी अधोगति में डाल पाएंगे, डाल सकते हैं या डाल दिए जाएंगे। क्योंकि कितने बार होता है कि एक कोर्ट का कहें तो मैं जजमेंट भी कोर्ट कर सकता हूं कि अनेक बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद ही नहीं समझता कि उसने कुछ गलत किया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है जजमेंट है 2010 का, जिसमें कोर्ट कहती है एक इन्वर्टेड कॉमा में, ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लेनेंट्स व्यू रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन एंड मैन कंडक्ट दैट मैनी मैन कंसीडर अनऑब्जेक्शनेबल मे ऑफेंड मैनी वीमेन मैन टेंड टू व्यू सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एज हार्मलेस एज हार्मलेस सोशल इंटरेक्शन टू विच ओनली ओवरली सेंसिटिव वीमेन वुड ऑब्जेक्ट द करेक्टरिस्टिकली मेल्स व्यू डेपिक सेक्सुअल हैरेसमेंट एज कंपेरेटिवली हार्मलेस अम्यूजमेंट मैन हु आर रेयरली विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असल्ट मे व्यू सेक्सुअल कंडक्ट इन ए वैक्यूम विदाउट ए फुल अप्रिसिएशन ऑफ द सोशल स्ट्रिंग सेटिंग और द वन अंडरलाइंग थ्रेट ऑफ वायलेंस दैट ए वूमेन मे परसीव। यानी कि कोर्ट का सीधा सीधा व्यू है कि अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि जो वो सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता ही नहीं, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है, वो कभी वीमेन के दृष्टिकोण से नहीं सोचता। तो इसलिए भी अनेक बार हमें ये देखना पड़ेगा, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा कि ये जो कानून है पोष, ये केवल महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। हालांकि ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हम लोग बहुत से लोग अपशब्द बोलते हैं, और वो अपशब्द जो बोलते हैं वो इन दी प्रेजेंस ऑफ वीमेन बोलते हैं, क्या ये ह्यूमिलेशन नहीं है महिला का? लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि उनकी ये भाषा का अभिन्न अंग बन जाता है, वो अपने घर में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनजान महिला के आगे बोलते हैं, वो अपनी माँ बहन भाभी दादी चाची नानी ताई सबके आगे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भाषा के अभ्यस्त हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको रोकना बहुत जरूरी है। महिला की डिग्निटी को जब तक आप मान सम्मान नहीं देंगे, जो कि आंतरिक अधिक है, एक्सटर्नल लॉ आप बना सकते हैं, लेकिन वो लॉ तब तक लागू नहीं होगा स्पिरिट में जब तक कि उसके लिए हम संस्कृति विकसित ना करें। अब यदि हमने संस्कृति एक ऐसी विकसित कर ली है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की है, दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, न्यूज थी कि सेकेंड या थर्ड चाइल्ड के लिए देखें आप तो बेटियों के जन्म कम होता है। आज भी कहीं ना कहीं हम भले हम कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे दे देंगे, लेकिन सांस्कृतिक धरातल पर, मानसिक धरातल पर क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी, आज मैं देख रहा था टीवी पर, सभी की महिला सांसद डिमांड कर रही है महिला आरक्षण, लेकिन अब तक दिया नहीं गया, दिया नहीं जा रहा है। यदि नीचे धरातल पर दिया गया है तो उसके लिए भी आप देखें बाय प्रोक्सी रूल किया जा रहा है पंचायतों में,
तो ये एक माइंड सेट को बदलने की आवश्यकता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें तो बहुत कार्य कर रही हैं, लेकिन इसमें कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड भी हैं। ऐसा भी नहीं है, अपनी बात खत्म करने से पहले एक लास्ट बताता हूं आपको, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है बहुत बड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, देने वाली जज जो है वो महिला है, और वो क्या कहती हैं, इन देर इज नो सेक्सुअल हरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि वर्बल को या फिजिकल को, चूंकि मैं भारतीय संस्कृति मुझे अलाउड नहीं करती कि मैं उन शब्दों को प्रयोग करूं जो उस जजमेंट में लिखे गए हैं, मेरे को झिझक हो रही है। और परिणाम यह कि हालांकि उस जज का सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय को भी रोक दिया है और उसको जज साहिबा को परमानेंट करने से भी रोक दिया है। तो इनसेंसिटिव जजमेंट्स भी आ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो पुरुष ही देंगे, स्त्री भी दे सकती है। कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना है कि जब तक हम संस्कृति अपनी विकसित नहीं करेंगे, और वो संस्कृति विकसित करने के लिए हमें अपनी जड़ों में जाना होगा, हमें अपने भूतकाल में जाना होगा, हमें अपने प्राचीन काल की जो हमारी उच्च श्रेष्ठ दर्शन था भारतीय, कि जिसमें नारी को पूज्या माना गया, उस ओर जाना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम हर साल 8 मार्च को शब्दों के रूप में तो जरूर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, आरक्षण की मांग करेंगे, अधिकारों की मांग करेंगे, कुछ जो अचीवर्स हैं उनका जिक्र करेंगे, लेकिन धरातल पर परिस्थितियों से हमें देखना होगा, धरातल पर हमें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भारत में, यदि आप देखें, आम व्यक्ति कामुक नहीं है, आम व्यक्ति सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे हम पोजीशन प्राप्त करते जाते हैं तब खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहा गया जजमेंट में कि राइट टू रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द वीमेन, इट इज ए फार रीचिंग जजमेंट विच शुड बी एनकरेज, विच शुड बी रिमाइंड टू अदर्स ऑल्सो। और मेरा आज का आशुतोष जी से जब मैंने बात की थी, सच तो ये है कि मैंने खुद ही निवेदन किया था, जिन्होंने इन्होंने माना, क्योंकि तो मेरा मन बहुत था इस बात को कि इस जजमेंट का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उतना एक परिवर्तन के रूप में, सांस्कृतिक चेतना के रूप में ये जजमेंट कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रश्नों का और आपका इंटरेक्शन हो सके, इस दृष्टिकोण से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत व्यापक, बहुत सूचनाप्रद आपने जो बातें हमारे साथ साझी की हैं, वो वाकई एक नए आयामों को बता रही है कि जो इस वक्त सोसाइटी में चल रहा है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो अंतिम हैं और वो ही सब मान्य होने चाहिए, क्योंकि हम भरोसा करते हैं कि जजेस की बुद्धि जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होती होगी। लेकिन ये कहना मुश्किल है जब हम उनके प्रभावों को देखने लगते हैं और फिर अगले ही 2 साल 4 साल 5 साल में कोई ना कोई फिर निर्णय बदलना पड़ता है, नए सिरे से ही उन निर्णयों पर विचार करना पड़ता है, तो ये हम सभी के लिए एक कठिनाई पैदा होती है। और समाज जब तक शाश्वत मूल्यों पर आधारित नहीं होगा, इस तरह के निर्णय जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिशा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बीच बीच में आवश्यकता होती है ऐसे निर्णयों की, ताकि जो है मनुष्य का संस्कार होता रहे, समाज स्वस्थ बनता रहे, ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहने से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो भी हमारे साथ वक्ता जुड़े हैं, श्रोता जुड़े हुए हैं, और उससे पूर्व एक सेकंड में और लूँगा कि हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार जी जुड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ के हेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति देख करके। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जी, आप लोग में से कोई जो अपनी टिप्पणी करना चाहे, कोई प्रश्न करना चाहे, जो हमारे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करना चाहे, कोई नई डायमेंशन, नया पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करें। जी मदान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, जी जी प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है। आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी जी बिल्कुल सर, साफ है। हाँ गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। मेरी आपसे एक हम्बल सबमिशन है। जैसा कि अभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी ने 56 महिलाओं को टिकटें दी, केवल सोनिया गांधी को के अलावा कोई महिला चुनाव नहीं जीत पाई। इसी प्रकार की स्थिति जो आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आज महिला दिवस है, हम शुभकामनाएं देते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं और उनके भविष्य की कामना करते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पिरिकल स्टडीज। आप यदि पूरा डाटा इकट्ठा कीजिए, इस दिन के अंदर आपको चिंतन मनन मंथन विश्लेषण करना होगा कि हर जगह पर, मुझे 11-12 जिलों में घूमने का मौका मिला, ऑब्जर्वर के तौर पर भी कॉलेजेस में जाने को देखने को मिला, पढ़े लिखे महिलाएं डेरोगेटरी वर्ड्स डेफामेटरी वर्ड्स यूज करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। आप देखिए हमें किस, क्या केवल कानून से ही हम देश को चला पाएंगे या संस्कारों से चलाएंगे या कल्चर से चलाएंगे, एजुकेशन एम्पावरमेंट करेगी? तो इन मुद्दों पर आपको बताना जरूरी है कि आज हम जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट कैन बी डन, क्योंकि जितना भी उनका द्वारा मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का, चाहे वो एससी एक्ट हो, वुमेन का एक्ट हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट हो, सब जगह मिसयूज हो रहा है। इन मुद्दों पर आप प्रकाश डालिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ मदान साहब, हाँ जी जी सर, जी कल के ही अखबार में, आज के ही, अच्छा हाँ, आज के अखबार में एक न्यूज है और उसमें सुप्रीमो ने क्या कहा है जो आपकी बात को सपोर्ट करते हुए, कि हर प्रोमिस यानी कि मैरिज का, और यदि वो फुलफिल ना हो तो वो रेप नहीं है। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है, आप पढ़ते अखबार में खूब आता है और खूब कन्विक्शन भी हुए हैं कि एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया जाता है पुरुष द्वारा महिला से कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और शादी करता नहीं है और वो संबंध बना लेता है और फिर वो मुकर जाता है और फिर वो महिला जो है उसके ऊपर रेप का आरोप लगा देती है या उसको धमकाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि ऐसे मामले आ सकते हैं कि जहां दुरुपयोग हो, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आज के ही अखबार में देख लीजिए आप, ये जजमेंट आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर कि कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता, हो सकता है। अभी जब मैंने आपसे बात कर रहा था, जो कर्नाटक के रमेश जखोली जो है, जयखोली जो है, रिजाइन करना पड़ा है, आज के अखबार में जो जिसने किया था वो एफआईआर वापिस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सारा लग रहा है अपरेंटली है, क्योंकि इसको मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में कि वो पॉलिटिकल ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाए वो कौन है क्या है कुछ नहीं पता, इनके मिस यूज भी होने की संभावना हर एक कानून की रहती है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ये जरूर है, जैसे आपने कहा, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से भी कि महिलाएं भी कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन परसेंटेज देखनी पड़ेगी हमें। एक होता है एनवायरनमेंट, टोटल एनवायरनमेंट। मेरा केवल इतना निवेदन है कि क्या हम इस बात को सोचें कि क्या हम महिलाओं को वायलेंस फ्री, इनके जिसे आप फियर जो है ना, अपने आप में एक वायलेंस है। यदि मेरे को कार्य करते हो किसी का डर है तो वो मेरे विरुद्ध वायलेंस ही है। क्या हम फियरलेस एनवायरनमेंट दे रहे हैं या फियरसम एनवायरनमेंट दे रहे हैं? और ऐसे में एक दुक्का कुछ आ सकते हैं केस जहां पर उसका दुरुपयोग भी हुआ हो। इसीलिए मैंने कहा है साहब ने बात में कि जब तक हम इस सांस्कृतिक चेतना को विकसित नहीं करेंगे, इम्बाइब नहीं करेंगे, अपने आप में नहीं लेंगे,
यानी कि मैं आपको उपदेश दूं कि मदान साहब आप ऐसा करें ऐसा करें, गलत। मेरे को क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं सोचूं, मेरे को ये देखना है कि मेरा अपना व्यवहार कैसा है, और उसके बाद मैं कहूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कोर्ट कहती है या हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र में क्या कहा गया है। और मैं ये समझता हूं कि जो आशुतोष जी का आज का जो प्रयास है वो इस दिशा में है कि हमें क्या करना चाहिए के लिए आवश्यक है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं पहले हम उसका भी अध्ययन करें, क्योंकि हम बिना अध्ययन के कोट करते रहते हैं गलत बातों को भी, और कुछ हमने मुहावरे बना देते हैं। जैसे बड़ा डेरोगेटरी है एक मुहावरा पंजाब में बड़ा मशहूर है कि जनानी की अकल तो होती गुत्त च होंदी है। बिल्कुल। अब यदि आप ये कहेंगे और 10 लोगों को बार बार कहेंगे तो दूसरे ही सोचने लगेंगे, दूसरे ही नहीं सोचने लगेंगे बल्कि महिला खुद सोचने लगेगी, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही हम खत्म कर देंगे। जी, तो जी, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि निश्चित रूप से दुरुपयोग हो सकता है, परंतु उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कानून को ही खत्म कर दें या हम अपने उन सांस्कृतिक दर्शन को ना बताएं। ये तभी रुकेगा कि जब हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को आगे लाएंगे। जी जी, बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने, बिल्कुल सही दिशा की ओर आपने हमें संकेत दिए हैं कि एक वेल बैलेंस सोसाइटी, ए मीनिंगफुल सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। हम कैसे सेंस पैदा करें लोगों में, कि सेंसिबिलिटी पैदा करें, तो जितनी सेंसिबल सोसाइटी होगी उतने कम से कम कानून की आवश्यकता होगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, और जितने कम कानून होंगे उतना ही स्वस्थ समाज हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि अब इतनी विकृतियों के बाद हम स्वस्थता की तलाश कैसे करें, किस तरह से उन आधारों को दोबारा से तलाश करें जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ हो, और जहां पर कानून की जो पकड़ है वो कम से कम हो, और लोग आपस में एक स्वस्थ तरीके से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक्नॉलेज करें। तो इस दिशा की ओर मुझे लगता है कि आज का वेबिनार चल सकता है, कोई नई दिशाएं हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर विजय कुमार जी को कुछ बात कहने के लिए इस सारे विषय के ऊपर, क्योंकि वो बुद्धिस्ट स्टडीज के चेयरपर्सन भी हैं और बड़ा लंबा और दीर्घकालीन अनुभव भी है उनका। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बुद्धिस्ट दृष्टि में एक व्यवस्था बनाई गई थी संघ की, जहां पे स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया, और वहां पर जब प्रवेश दिया गया और उसके बाद फिर कुछ नियम बनाए गए, हम उन्हें कानून नहीं कह सकते क्योंकि वो नैतिकता पर आधारित है, और फिर उस क्या हम ऐसे कुछ संघ प्रकार के जो दृष्टिकोण है जिसमें स्वस्थता भी है, जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी है, व्यक्ति की व्यक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, क्या कुछ हम ऐसे जो सम्यक शब्द अष्टांग मार्ग में सम्यक शब्द प्रयोग हुआ है, ऐसी कोई परिकल्पना समाज में दे सकें, सुप्रीम कोर्ट को हम प्रोवाइड कर सकें कि भैया सम्यकता की दृष्टि से भी कभी कभी विचार कर लिया करें, केवल बुद्धि से नहीं हल होती समस्याएं मनुष्य की। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की जो है वो इसके ऊपर टिप्पणी रहे। सर धन्यवाद। सर क्या मेरी आवाज सुनी जा रही है? जी सर, जी सर। धन्यवाद धन्यवाद आशुतोष जी, जो वक्ता है उन्होंने तो काफी विस्तृत विवरण दिया हुआ है। मेरा इस विषय में कोई बहुत ज्यादा विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण से इस तरह के समाज की परिकल्पना बुद्ध के मस्तिष्क में थी। उस छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समाज में भी मैं बहुत स्वस्थ समाज नहीं कहूंगा, क्योंकि बुद्ध को भी हिचक हुई थी जो भिक्षुणी संघ बनाने में। आरंभिक तौर पर जो बुद्ध दर्शन में जिस निर्वाण की परिकल्पना है या जिस उच्चतम पद को पाने की परिकल्पना है, पता नहीं संभवतः बुद्ध ने भी शायद स्त्री को अधिकारी माना था, या उस समय की सामाजिक पाना बाना ऐसा था कि गृह त्याग का अर्थ स्त्री त्याग अपने आप सम्मिलित हो जाता था। तो और बहुत बाद में हिचक से अपनी माता के बारम्बार अनुरोध करने पर और अपने प्रमुख भाई जो उनके हैं, बड़े भाई जो बाद में उनके शिष्य बने आनंद, उनके अनुरोध की पुनरावृत्ति के बाद उन्होंने
बनाया, और जैसा कि आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, 8 गरुड़ नियमों के राइडर के साथ बनाया। यही नहीं कि साधारण सभी 252 नियम उन्हीं पर आधारित होंगे, उनके लिए ज्यादा नियम बनाए गए, संभवतः उस समय के समाज की आवश्यकता हो। तो ये एक हमारे समाज की स्पष्ट दृष्टि तभी कायम हो सकेगी, अगर बौद्ध दर्शन से मुझे पूछे, क्योंकि मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, बनिस्पत इसके किसी बौद्ध विद्वान या बुद्ध के वचनों को उद्धृत कर दूं, वो तो एक कही सुनाई बात होगी। मैं समझता हूँ कि जीवन प्रतिदिन हमारे सम्मुख नए प्रश्न उपस्थित करता है, और हमें आज के संदर्भ में अपनी प्रज्ञा से उसका उत्तर देने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लोग कह रहे हैं, वो प्रश्न पहले नहीं होंगे, बुद्ध ने अपने समय में उत्तर दिया, विद्वानों ने अपने अपने समय की विचारधाराएं रखी, पर जो मेरी समझ है वो तो बौद्ध दर्शन की ही है। मैं समझूंगा कि हम एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, स्त्री विमर्श करें, आज नारी का दिन है, प्रति नारी का दिन होना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है या दूसरे भी जो उच्चतम न्यायालय के अलावा भी जो दूसरे न्यायालय है, हमारे समाज का जो निर्णय है, पुरुष पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से जो सामाजिक निर्णय जो होते हैं, ये सभी मुख्यतः अपराध नियंत्रण से संबंधित हो जाते हैं, नारी के प्रति दृष्टि से संबंधित कम होते हैं। स्पष्ट दृष्टि क्या हो, बिल्कुल सही, अपराध नियंत्रण की वजह यही हो जाए, तो फिर इसका मतलब स्त्री को फिर आप बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये दे रहे हैं स्त्री के प्रति कोई समाज ना हो, कहीं कोई रेप ना हो जाए, कहीं कोई उसके अधिकारों का हनन ना हो जाए। और जो स्त्री विमर्श भी चल रहा है, वो भी यही चल रहा है कि हमारा अधिकार कहाँ है, वही तो अधिकार के साथ अपने कर्तव्य की भी रचना करें, और हमें स्पष्ट दृष्टि से नंबर एक स्त्री पुरुष संबंधों को परिभाषित करें स्पष्ट दृष्टि से उन दोनों के। और एक बात विशेष तौर पर मैं अपने स्त्री जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कहूंगा, एक ही शब्द बहुत छोटा, जिद्दी बने, अपने आप को न तो कमजोर समझे, न ये समझे कि किसी से अधिकार या कुछ मांगने के लिए, जिद्दी बने, हट करें, हमें ये चाहिए ही, ये हमारा नैसर्गिक हक है बराबरी का, और हम ये ले कर रहेंगे। और क्योंकि कोई भी जो विशेषता विशेषता प्राप्त है, प्रिविलेज सोसाइटी जिसको कहते हैं, जो पुरुष वर्ग है, आपको दान में तो देने से रहा, कोई नहीं देता, पुरुष वर्ग ही क्यों, किसी को भी कुछ भी प्राप्त है वो अपनी मर्जी से नहीं देगा। आप जिद करें, और पुरुष वर्ग के लिए मैं अपने मित्रों को और स्वयं को भी ये कहता हूँ, भाई आप नारी को बराबर में एक्सेप्ट कर लें, साधारण पे नहीं करते, बातें हम व्यवस्थित कर लेते हैं, अब हमारे मानस में ही स्त्री के प्रति जो भाव है वो दोयम दर्जा का है। ऐसे ही सिमोन दे बोवा ने जो लिखा है पुस्तक, उसका नाम सेकंड सेक्स नहीं रख दिया, फर्स्ट सेक्स मानने को तैयार नहीं है, और स्वयं स्त्रियां भी माने, जिद करें, तभी आज का नारी दिवस मनाने का संकल्प सफल होगा। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त होगा, ज्यादा मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। आशुतोष जी को धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। नहीं सर, धन्यवाद तो आपका कि आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अवसर रहा, आपको बहुत दिनों के बाद देखा भी और सुना भी, और आपका ये योगदान, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की है कि पुरुष का दृष्टिकोण कैसे बदले। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई औजार है, ऐसी कोई झड़ी है कि वो पुरुष की दृष्टि में सम्यकता ला सके, जिसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा है। अगर वही हो जाए तो मुझे लगता है कि भी आधी से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इसकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम एक बार फिर चर्चा करें कि पुरुष की दृष्टि को करेक्ट करने के लिए, उसमें सम्यकता लाने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं। और सोशल साइंटिस्ट के तौर पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा कि पुरुष की दृष्टि की सम्यकता वो कैसे आए, क्योंकि जो एजुकेशन हम बढ़ा रहे हैं, कम से कम उससे तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारी की सारी जेंडर बेस्ड है, और जब जेंडर बेस्ड होगी तो निश्चित रूप से आप विभाजन में पढ़ा रहे हैं, सारे समाज को विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि भारतीय परंपरा फेमिनाइन एलिमेंट और मैस्कुलाइन एलिमेंट दोनों के प्रमोट करने के लिए, दोनों को विकास विकसित करने के लिए प्रयासरत थी, उसी के आधार पर अर्धनारीश्वर की परिकल्पना और इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं आप देखते हैं। तो बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, और बल्कि मैं कहूंगा सोने पे सुहागा हो गया आज, कि डॉक्टर रविंद्र जी ने जो बातें आज रखी इस पक्ष से, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष से, उसमें एक और डायमेंशन ऐड
हो गया है और उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यदि किसी और की कोई टिप्पणी हो, कुछ और जानना चाहता हो तो कृपया अपनी बात हमारे साथ साझी कर लें, क्योंकि फिर समय हो रहा है तो हम इसको उचित समय पर समाप्त भी करेंगे। तो मुझे लगता है अभी कोई टिप्पणी शेष नहीं है, तो मैं पहले आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत कौर जी को, जो कि कन्वीनर हैं वुमेन सेल की एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट की, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। और डॉक्टर परमजीत जी जो हैं वो हेड भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक की, और उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये उनकी प्रेरणा ही थी कि ये हम आज का वेबिनार आयोजित कर पाए हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम सभी ज्ञान धारक के रूप में इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। इसका कारण हमारे प्रमुख अतिथि प्रमुख वक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी के प्रभावशाली भाषण ने हमें आकर्षित किए रखा। आदरणीय सर, आपके मूल्यवान शब्दों से हमें बहुत प्रेरणा मिली है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को आज के दिन आमंत्रित करके जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा इस वेबिनार के आयोजक डॉक्टर आशुतोष अंगिरस, उनका भी मैं हम सब की ओर से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उपस्थित श्रोतागण जो हमें हर समय ऊर्जा देते हैं, उनका भी तहे दिल धन्यवाद करती हूँ। अंत में कुछ पंक्तियां हैं जो आज नारी दिवस पर मैं बोलना चाहती हूँ। तुम जो है तो सब कुछ है, तुम जो है तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं, पर तुम जो नहीं तो आदमी भी आदमी नहीं। ये पंक्ति कहकर मैं समाप्त नहीं करना चाहती हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क मेरा उठ जाता है। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने जो उनका वक्तव्य था, उसकी आरंभिक लाइन जहाँ से उन्होंने अपना वक्तव्य आरंभ किया था कि अखबार में जो ऐड थी वो ये थी और टीवी न्यूज ये थी, और उनकी अंतिम लाइन जो महिला जज ने अपना निर्णय दिया, उसको देखते हुए इन लाइनों के बाद मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन उठ जाता है। और आज साहिल लुधियानवी को भी याद करते हुए मैं उनकी एक नज़्म उसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ उनकी नज़्म में दो लाइनें पढ़ रही हूँ। उनकी नज़्म है, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, वाकई आपने साहिब की बात करके वाकई इसको आपने जो है वो बिल्कुल एक सही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। और वाकई साहिब ने स्त्रियों के लिए बहुत लिखा है, स्त्री के पीड़ा को जितना गहरे से समझा है साहिब ने, जितने भी शब्द तारीफ के कहे जाए उनकी प्रशंसा में, मुझे लगता है वो कम है। बहुत संवेदनशील उनकी नज़में रही हैं। मैं धन्यवाद इस बात के लिए आपका करना चाहूँगा कि आपने साहिर की ये दो पंक्तियाँ जो हमारे साथ साझी की हैं, कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो समाज कभी तो स्वस्थ होगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैडम लवलीन जी को, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गुरु नानक खालसा कॉलेज की, जो कि इस वेबिनार के लिए बड़ी उत्सुक भी थी। और मैं चाहूँगा उनके साथ ही जो मैडम हरप्रीत हैं उनके साथ मिलकर के उनके बिहाफ पे भी वो धन्यवाद ज्ञापन अपने कॉलेज की ओर से, अपने विभाग की ओर से सभी के प्रति ज्ञापित करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ।
और मैं थैंक्स पहले जो हमारे वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में रविंद्र कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी रहे, और जिन्होंने नारी के प्रति व्याख्यान में नारी की गरिमा को लेकर अनेक पक्षों को उद्घाटित किया। उसमें भी बहुत जितना हमारा भारतीय दर्शनों में नारी का जो सम्मान पूर्वक दृष्टि बताई गई है, और बहुत सुंदर बताया कि जननी जन्मभूमि स्वर्गति गरीयसी, कि नारी और जन्मभूमि का स्थान जन्म स्वर्ग से भी बढ़कर है, और मातृ देवो भव जैसे गहरे संदेश हमें नारी की गरिमा को सूचित करते हैं। परंतु अगर हम पाश्चात्य प्रभाव को देखें तो आज नारी की स्थिति कहीं ना कहीं हमें धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। और डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने गीता को आधार बनाकर नारी के प्रति भगवान श्री कृष्ण की जो सम्माननीय पूर्वक दृष्टि है उसको बड़ा स्पष्ट किया कि 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में बहुत अच्छा कहा, कीर्ति श्री वाक्य नारे नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो ऐसे नारी को कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा कहकर जो सम्मान पूर्वक दृष्टि दी गई है, और भी जटायु के प्रसंग और द्रौपदी के प्रसंग के माध्यम से भी बहुत सुंदर बताया कि ये प्रसंग आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितना उस समय हुआ करते थे। और मैं डॉक्टर आशुतोष अंगिरत जी का, जो हमारे ऊर्जा के स्त्रोत्र हैं, हमारे प्रेरणा के स्त्रोत्र हैं, नारी के विविध पक्षों और विविध आयामों से हमें अवगत कराया कि जो नारी की सामाजिक शैक्षिक धार्मिक पूर्वक जो कार्य है व्यक्ति परिवार और समाज राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। तो जब तक नारी की स्थिति समाज में सुदृढ़ नहीं होगी तब तक समाज स्वस्थ कैसे होगा। तो और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ और नारी के प्रति जितने भी हमारे अधिकार और ये सब डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने, रविंद्र कुमार जी ने बताए, उसके हमें अवगत कराया। और अंत में मैं इतना कहूंगी कि जहां तक मेरा विचार है कि अर्ध नारीश्वर की कल्पना जो है स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है। तो मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज की तरफ से और मेरे साथ मेरे को कन्वीनर डॉक्टर हरदीप कौर जी हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आशुतोष सर जी का जो हमारे प्रेरणा के स्त्रोत्र हमेशा रहे हैं। बस वो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं है, सभी श्रोताओं का और सभी वक्ताओं का धन्यवाद। तो ये शब्दों के साथ मैं विराम कर लेती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरी ओर से धन्यवाद। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, आप सभी ने प्रतिभागिता की और हम सभी ने मिलकर के आज इस दिवस को सार्थक बनाने की, इसमें एक मीनिंग खोजने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस विषय में हमारी समझ भी बढ़ी है, समझ गहरी भी हुई है, और ये वेबिनार इसी अपेक्षा से किए जाते हैं कि ये जो हम रूटीन में लाइफ एक जीते हैं उस लाइफ में कहीं जो एक धूल जड़ता की आ जाती है वो साफ हो जाए, और उसके बाद जो है वो हम एक नई स्वस्थ दृष्टि से समाज को भी देखें, अपना भी विश्लेषण करें, अपने आसपास को भी देखें। तो ये वेबिनार जो है ये एक तरह के संस्कार प्रक्रिया है हम सभी की, कि हम पहले से ज़्यादा स्वस्थ हों, पहले से ज़्यादा समृद्ध हों, और फिर हम बेहतर मनुष्य बन करके इस समाज को बेहतर बनाएं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लिंक शेयर कर दिया था बहुत शुरू में भी, दोबारा भी कर दिया है। यदि किसी ने लिंक ना भरा हो या कोई कठिनाई हो तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार, आप सब लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं।